नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। भाई बहुत से मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हमने ये सामान लिया था और इसमें हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं चल रहा, अलग अलग जगह से जो लिया था। अब पहली तो बात है, मैं इस वीडियो में ये क्लियर करना चाहता हूँ, आप जो भी सामान लें, खासकर जो आपने मेरे चैनल पर देखा हो, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, जो भी सामान जो भी प्रोडक्ट आपने मेरे चैनल पर देखा है और आप उसको परचेज करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो अभी नीचे आ रहा है आपके सामने। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे एक बार उस प्रोडक्ट के बारे में मैसेज कर सकते हैं, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत अलग होती हैं जो कि हम थ्योरेटिकली जानते हैं, क्योंकि जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल में लेके जाते हैं तो उसमें जो भी उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, या हम आम जीवन को भी अगर हम इस चीज़ में रखें, ज़िंदगी हम सोचते किसी तरह से हैं लेकिन होता किसी और तरह से है, तो वही चीज़ हमारी प्रोडक्ट के केस में भी हो जाती है कई बार, जिस हिसाब से हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे ही काम करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज इस वीडियो में ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बात हो रही है प्रोडक्ट की। अब जैसे मेरे पास ये रखे हुए, जैसे CG का रखा हुआ है, ये CG का हमारा VFD कंट्रोलर है, और मेरे पास लूबी के या अदर जो ब्रांड्स है, ये हमारा लूबी का है, जो भी लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, और भी जो ब्रांड है अलग अलग, तो काफ़ी ब्रांड्स का सामान हमारे यहाँ पे है जो हम सेल करते हैं, और बहुत से हमारे कस्टमर है जो यूट्यूब के थ्रू हमसे बहुत सामान लेते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जान लें, ये काम कैसे करता है। उसके लिए हेल्पफुल है मेरा YouTube चैनल है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कई बार कमेंट का जवाब नहीं दे पाते तो उसके लिए मैंने अपना WhatsApp नंबर दिया हुआ है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जिसमें आप पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है क्या ये सही है या नहीं है, खासकर जो आपने मेरे चैनल पर देखा है। बहुत से चैनल्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट दिखाते हैं तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी प्रोडक्ट आपने मेरे चैनल पर देखा है उसके बारे में आप जान लें कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। उसके बाद उसको जानने के बाद आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, चाहे हमसे ले चाहे कहीं और से ले, वो आपकी इच्छा है, उसमें हमें कोई वो नहीं है। हमसे अगर लेते हैं तो हमारी भी उसमें थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई प्रोडक्ट के बारे में पहले जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद दूसरी बात मैं बता दूं, आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, अब जैसे मेरे पास ये जो VFD कंट्रोलर रखे हुए हैं, खासकर जो हमारे कस्टमर सबसे ज़्यादा VFD कंट्रोलर परचेज करते हैं, अब VFD कंट्रोलर को लेने से पहले क्या इसकी वोल्ट है, क्या इसकी VOC है, कितने पैनल इस पर लगा सकते हैं, कितने HP की मोटर चलाएगा, ये सारी जानकारी आप मुझे जितना चाहे पहले जान सकते हैं। चाहे वो आप मुझे सबसे पहले WhatsApp डालें, उसके बाद अगर ज़्यादा ही आवश्यक हो तो ही मुझे फ़ोन करें, क्योंकि फ़ोन बहुत बिजी रहता है, तो WhatsApp पे आप हमसे सारी जानकारी जान सकते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट मान लीजिए CG का है, ये क्रॉम्पटन ग्रेविस का प्रोडक्ट है, या लूबी का है, या हमारा शक्ति का है, या INVT, या कोई भी जितने भी ब्रांड्स हैं, या अगर हम इन्वर्टर के केस में आए माइक्रोटेक है, लुमिनस है, V-Guard है, या बैटरी के हम केस में आए UTL है, लुमिनस है, एक्साइड है, बहुत सी वीडियोज़ हमने चैनल पर बनाई हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, किसी भी ब्रांड की वारंटी हमारी तरफ से नहीं होती, चाहे आप कोई भी ब्रांड खरीदें, हमसे खरीदें, कहीं से भी खरीदें, वो वारंटी उस ब्रांड की होती है। अगर आप CG का VFD कंट्रोलर हमसे खरीदते हैं तो उसकी वारंटी CG की है। हाँ, अगर आपने हमसे खरीदा हुआ है, हम उसमें वारंटी दिलाने के लिए पूरा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी वारंटी प्रोवाइड कराएंगे या हमारी तरफ से उसका सारा सिस्टम रहेगा, उसकी वारंटी कंपनी की रहेगी। कंपनी से सर्विस दिलाना हमारा काम है, उसको ठीक करवाना, वो सारी चीज़ें आपके लिए हम उसमें हेल्पफुल हैं। तो उस वीडियो के माध्यम से मैं ये चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरी एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है, कई कस्टमर पहले प्रोडक्ट को जान लेते हैं, सारा कुछ हमसे पूछते हैं व्हाट्सअप पे, फ़ोन पे, उसके बाद प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं। प्रोडक्ट जाने के बाद फिर उनका फ़ोन आता है कि सर हमें ये नहीं लेना, या हमारा किसी और से काम चल गया। तो भाई मैं इसमें ये भी क्लियर कर दूँ, ऐसा मत करो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा ये एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। आप किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, पहले आप पूरी जानकारी लें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप जानने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, उसके बाद आपने हमारे पास बैलेंस डाल दिया, हमने आपके पास प्रोडक्ट दे दिया, और उसके बाद आप कह रहे हो कि सर इसको चेंज कर दो या इसको आप वापस ले लो, हमारे पैसे दे दो, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है भाई। हाँ, उसमें ऐसा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई, हम मान लीजिए उसमें आपने कोई ये प्रोडक्ट ले लिया और इस प्रोडक्ट में आपको कोई डिफेक्ट है या इसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो उसके लिए हम चेंज करवा के आपको दे देंगे, वो हमारी जिम्मेवारी रहेगी। मान लीजिए उसमें फॉल्ट है तो वो हम आपका
प्रोडक्ट चेंज करा दें या उस प्रोडक्ट में अगर रिपेयरिंग वगैरह है वो आ गई, वो एक अलग मैटर है। तो इस वीडियो की हमारे माइंड में कैसे कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। क्या हुआ, कल मेरे पास एक कस्टमर का फ़ोन आया, उन्होंने कहीं और से लिया था, लिया उन्होंने ऑनलाइन नहीं था, किसी और यूट्यूब चैनल के थ्रू या जैसे भी था, तो उन्होंने किसी और के थ्रू लिया था, एक प्रोजेक्ट लिया उन्होंने सोलर का, और वो सोलर का प्रोजेक्ट उन्होंने 7.5 HP की मोटर के लिए लिया था और वो उनका चला नहीं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि सर हमने ऐसे ऐसे ये परचेज किया था और ये चल नहीं रहा, दूसरी कंपनी का था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो फिर मैंने कहा भाई आप एक काम करो, पहले उनसे पता कर लो क्या वो उसका सोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो 7.5 HP मोटर के लिए था ही नहीं, एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट उससे कम की मोटर के लिए था, लेकिन उन्होंने 7.5 HP के हिसाब से उसमें ज़्यादा पैनल दे दिया, उसका कंट्रोलर दूसरा दे दिया और उनके पैसे भी खर्च हो गए और उनका कामयाब भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कामयाब भी नहीं। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर 10 लाख खर्च रहा है तो वो 1 लाख और खर्च देगा, लेकिन उसका प्रोजेक्ट कामयाब होना चाहिए। तो वहाँ उनकी ये प्रॉब्लम आई। फिर उनका फ़ोन आया कि सर वहाँ तो कोई सोल्यूशन नहीं हो, आप क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई हमारा पास उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उस चीज़ के लिए है ही नहीं जिसके लिए आपने इसको मंगाया। अभी मेरी और जो यूट्यूबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें किसी भी कस्टमर के साथ, उसको पूरी सही जानकारी दें। उसके बाद अगर आप सही जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अब मैं जल्द ही लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको हर चीज़ का लाइव सेशन में जवाब मिलने वाला है। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वेबसाइट हमारी आ चुकी है गेट पावर सोल्यूशन के नाम से। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहें तो getpowersolution.com पर जाएं, वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल रहता है, जब उन्होंने 7.5 HP का सोलर प्लांट मंगाया था किसी और दूसरे चैनल से तो वो चला क्यों नहीं। तो इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं कि एक्चुअल में कितने HP की मोटर के लिए कितने कितने वोट के पैनल लगते हैं और वो कितने पैनल लगते हैं, क्योंकि वहाँ पैनल्स में गड़बड़ है और कुछ नहीं है, उनका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगना था लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसा लगा हुआ और तब भी काम नहीं हुआ। तो उसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, यानी कि अगर हम एक्चुअल बात करें, अगर हमारे पास कोई मोटर है और ये कंट्रोलर है तो कितना सोलर लगाएं जिससे वो बिल्कुल उनका एक सही कनेक्शन बैठे, जिससे जितने पैनल लगें और उतने पैनल में वो मोटर चल जाए और कंट्रोलर भी वहाँ पर परफॉर्मेंस करे। तो इसके लिए जल्द ही वीडियो आने वाली है, चैनल पर बने रहना, उसमें आपको सारे जवाब दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित अगर आप कोई सवाल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।